सबसे पहले देखिए शिवभक्ति के साथ देशभक्ति के जज्बे वाली तस्वीर जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आई है। यहां दिल्ली से आए 10 शिवभक्तों की एक टीम 39 फीट के तिरंगे के साथ देखी गई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस दिल्ली लौट रहे इन शिवभक्तों को देखकर शिवभक्ति के साथ राष्ट्रभक्त का भी एहसास जाग उठता है। तेलंगाना के अनूठी सांस्कृतिक परंपरा की तस्वीर है हैदराबाद के ऐतिहासिक उज्जैनी महाकाली मंदिर में, जहां पर बुनालू उत्सव की धूम है। इस मौके पर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और प्रार्थना में हिस्सा लिया है। महिला भक्तों ने देवी महाकाली को पके हुए चावल, गुड़, दही और नीम के पत्तों से युक्त बोनम अर्पित किया है। आज इस उत्सव का समापन है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सरयू नदी के एक युवक को 53 किलो का चांदी का शिवलिंग मिला। शिवलिंग मिलने की खबर फैलते ही इसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और शिवलिंग को थाने में लाकर इसकी पूजा अर्चना भी की गई। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने के लिए मिली है। हिंदू मुस्लिम ईसाई समुदाय से मिलकर संत सती याग्गप्पर मंदिर के सालाना कार्यक्रम में शामिल हुए। सबने मिलकर ध्वज फहराया। खास बात यह रही है कि इस कार्यक्रम में सभी धर्म के पुजारियों ने हिस्सा लिया। असुरों से एक और अनोखी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां पर शनिवार और रविवार को गरीब से लेकर करोड़पति तक फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं। इस मौके पर त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। सूरत के लोग अपने दोस्तों या परिवार के साथ आते हैं और घर के टिफिन बनाकर फुटपाथ में बैठकर खाना खाते हैं। इन लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर बैठकर खाने में 5-स्टार होटल से भी अनूठा आनंद इसमें मिलता है। जौनपुर के मछली शहर इलाके में गड्ढे की खुदाई के दौरान मजदूरों को एक तांबे के लोटे में सोने के सिक्के मिले हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस सिक्कों को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। जानकारी यह भी है कि सभी सिक्के अंग्रेजों के जमाने के हैं। अब सियासत की दुनिया से सुकून देने वाली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पटना में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव बैटिंग और बॉलिंग करने में मस्त दिखे। इन तस्वीरों को तेजस्वी के वजन कम करने से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन पहले पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को वजन कम करने की सलाह दी थी। असम के सिलचर के 4 लड़के पानी बचाओ प्रकृति बचाओ के मुद्दे पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साइकिल से ही ये चारों दोस्त सिलचर से केदारनाथ धाम गए थे। 35,200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर वे वापस सिलचर लौटे हैं। युवकों ने कहा कि इस यात्रा में उन्होंने लोगों को पानी बचाने के लिए संदेश दिया। महाराष्ट्र के कल्याण में कुछ मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया, लेकिन मछली की बजाय जाल में एक कोबरा सांप फंसाया, जिसे देखकर मछुआरों के होश उड़ गए। बाद में सर्पमित्र की मदद से जाल काटकर सांप को जीवन दान दिया गया। जाल से निकलने के बाद सांप को एक बैग में बंद करके जंगल ले जाकर वापस छोड़ दिया गया।